सर संदेश का तो नहीं पता, एंटरटेन करेगी फिल्म। और रही बात फिल्म की स्टोरी की, बहुत ही फैमिली वैल्यू वाली फिल्म है। फैमिली फैमिली बॉन्ड है इस फिल्म में, फैमिली के रिलेशंस है, इंटरेक्शंस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे फिल्म में। हीरो हीरोइन है, उनके माँ बाप है, जीजा जी है, दीदी है, मामा है, ताया है, काका है, यू नो, ऐसे जो 70s 80s में आप फैमिली वाली फिल्में देखते थे। थोड़ी बहुत ऑनेस्टली टच राजश्री फिल्म्स के जैसी है, एंड गाने बहुत अच्छे हैं। मेरा कैरेक्टर मामा का है, मामा जुगाड़ू मामा है, शरारती मामा है, रंगीला मामा है। मामा जो हीरो को हर वक्त सपोर्ट करता है, एंड खुद भी बैचलर है, और हीरो का चक्कर चलाते चलाते उसकी भी शादी हो जाती है बाद में। सो ऐसा कुछ कैरेक्टर है, मज़ा आया करने के लिए। एंड आई जस्ट होप कि इट कम्स, हमने जैसे शूट किया जो सोचा है वैसे ही स्क्रीन पर आए। सर आपके जमाने में आप आपकी जो है लड़की प्रिफर करना चाहेंगे या सर? सर ये तो आपने अपनी चॉइस है सर, जिसको लव करना है लव करे, जिसको शादी करना है शादी करे, लव करके शादी करे, शादी करके लव करे, लव भी ना करे, शादी भी ना कुछ ना करे, करे कुछ ना करे, सिर्फ लव करूँ या शादी, ये फिल्म जरूर देखे बस। सर इसके लिए आप किसके लिए जुगाड़ू बनते हुए नजर आएंगे? मैं हीरो के लिए, हीरो के लिए जिसका मैं मामा हूँ उसके लिए जुगाड़ू, और बाद में थोड़ा थोड़ा बीच में खुद के लिए भी जुगाड़ू, जुगाड़ करता है वो, इंसान है क्या करे बहन। आपके साथ साइकिल का कौन कौन? गोविंद सर है, गोविंद नामदेव जी है, और फरीदा जी है, फरीदा दादी जी है, जो हमारे सीनियर्स जो जो है उनमें से, बाकी काफी नए कैरेक्टर्स हैं इसमें। सर इस तरह की जो फिल्में हैं पिछले 4 साल 5 साल से लेकर तनु बैट्स मनु या कोई छोटू की शादी ले लो, अच्छा बिजनेस किया है, तो टाइटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ऐसी काफी फिल्में, इस टाइप की फिल्में बन रही है, ऐसी कुछ फिल्में, फॉर्चुनेटली मैं भी कई ऐसी फिल्मों का हिस्सा अभी बनता जा रहा हूँ मैं, एंड ये मज़ा आता है। ये फिल्म की शूटिंग हमने आगरा में की है, कानपुर, और आगरा कानपुर लखनऊ, ऐसे जो सो कॉल्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट स्मॉल टाउन्स, टू टायर सिटीज जो होती है, तो वहाँ का फील, वहाँ का लैंग्वेज, वो कलर, वो यू नो, एक थोड़ा सा हट करके जो हमारा मेन स्ट्रीम जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा होते हैं उससे रियल लाइफ कैरेक्टर्स आपको लगते हैं। कैरेक्टर्स बहुत रियल इसमें है, वो नहीं है कि कोई हीरो 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 है, हीरो है, तकलीफ होती है तो रोता भी है, तो चाटे भी खाता है, उसकी गाने भी है, सब कुछ करता है, सो वेरी रियल कैरेक्टर्स। सर मैं, मुझे ऑनेस्टली बहुत काफी टाइम लग गया सर जो मैं कर रहा था उससे, अपनी कहते ना अपने आप को इन ऐसे कैरेक्टर्स में लाने के लिए, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो कैरेक्टर जो मैं करता था सर वो काफी हावी हो गया था और लोगों के दिमाग में वही था, तो ये जो मैं कर रहा था उससे काफी ब्रेक है, मुझे करने में बड़ा मजा आया। अभी मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं, बड़ा अजीब सा लगेगा मुझे कहने के लिए कि इस फिल्म में मैं मेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और पर मुझे मजा आया, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बड़ा मजा आएगा ये देखकर। सर जो भी कोई किरदार करता है उसी में लीन हो जाता है, मतलब हर चीज में उसी में श्याम। आपसे अगर बात करें, सॉरी, दादी के किरदार करते करते आपको ऐसा होता है कभी क्या क्या दादी कॉमेडी नाइट तक क्या, तो किरदार करने नहीं रहे जी? चलती ऐसी होती है आप कभी बात करते करते निकल जाता आवाज मुझसे? नहीं वो होता है सर, वो कभी कभी क्या, वो अभी तो नहीं, मतलब एक बार बीच में ये हो गया था कि उस वक्त तो हम शूट भी करते रहते थे, वो मैं जीनी जूजू, मैं दिन में जीनी जूजू करता था, रात को जाकर के कॉमेडी नाइट जो कपिल शूट करता था, तो वो रात 4 बजे 5 बजे पैकअप होता था,
आकर के मैं जीनी जूजू के सेट पे ही सोता था सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिए। 7:30 बजे उठाते थे मुझे, अच्छा रेडी रेडी अली भाई आपका ही। 9:30 बजे जो सीन पहला सीन होता था उसके अंदर कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी रहता था मेरे। राजन जी हमारे कहते थे अली वो पैकअप हो गया है ये, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब था वो।